फिर से आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स सूर्य टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपना बिजली बिल डाउनलोड कर सकते हैं अपने घर पे मोबाइल फ़ोन से ही डाउनलोड करके मैं आपको बताने वाला हूँ, और चाहे तो आप उसे घर से ही अपने पेमेंट भी कर सकते हैं। तो किस तरह से बिजली बिल को डाउनलोड करना है, कितना आपका बिल आया है, कौन सा महीने का कितना यूनिट उठा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। PDF के रूप में भी आपको डाउनलोड करके बताऊँगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद फ्रेंड्स सिंपल से यहाँ पे आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में बिजली बिल, ठीक है। यहाँ पे आप बिजली बिल जैसे प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो आपके सामने फ्रेंड्स उसका जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैंने बिजली बिल सर्च किया देख सकते हैं, तो यहाँ पर इस वाला एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार बिजली बिल पे BBBP जो लिखा हुआ है, सिंपल सी से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ तो इसे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस। जैसे आप उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फिर सबसे पहले आपको अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, जहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बिल डिटेल्स एंड बिल पेमेंट। इस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जितना भी मैंने यहाँ पे कंज्यूमर आईडी यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है सब यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ आपका ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ नीचे की तरफ एक ऑप्शन देख रहे हैं फ्रेंड्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन रहेगा ऐड न्यू कंज्यूमर। तो सिंपल से ऐड न्यू कंज्यूमर पर क्लिक कर देना है। जैसे ऐड न्यू कंज्यूमर फ्रेंड्स आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है इंटर कंज्यूमर और CA नंबर, यानी कि कंज्यूमर अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, और सिंपल से यहाँ वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक कंज्यूमर आईडी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ पहले, उसके बाद वेरीफाई वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कंज्यूमर नंबर डाल दिया फ्रेंड्स, मैं वेरीफाई वाला ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक कर दे रहा हूँ। वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर पूरा डिटेल्स कुछ इस तरह से आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर देना मैंडेटरी है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। इसे यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना है, तो ईमेल आईडी यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ईमेल आईडी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है देना, मैंडेटरी नहीं है। तो मैं मोबाइल नंबर डालकर उसके बाद सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर एक डाल रहा हूँ कोई भी, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है। सिंपल से मैं सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है ये सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। मेरा यहाँ पर मैं पहले से सेव करके रखा हूँ, तो यहाँ पे जैसे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करते देख सकते हैं लिखा हुआ है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर, तो यहाँ पे ये नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सी आपको जैसे सेव पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिटेल्स ओपन होकर के आएगा, जहाँ पे आपका कंज्यूमर अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो कोई भी आपका यहाँ पर नंबर हो कंज्यूमर अकाउंट नंबर देख लीजिएगा, और उसके बाद उस नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं कोई एक नाम को यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे मैं इसे जैसे ऐड हो जाएगा तो उसे आप ओपन कीजिएगा इस तरह से क्लिक करके, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कंज्यूमर अकाउंट नंबर दिया हुआ रहेगा ऊपर की तरफ ही। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ रहेगा, नाम के नीचे यहाँ पे फ्रेंड्स आपका एड्रेस जो है ब्लैंक दे रहा है क्योंकि इसमें ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें एड्रेस दिया हुआ नहीं था। उसके जस्ट नीचे देखिए तो बिल मंथ यानी कि कब तक आपका पेमेंट यहाँ पर शो होगा, तो यहाँ पर लिख रहा है अक्टूबर 2021 तक का ये पेमेंट यहाँ पर शो हो रहा है, देख सकते दिया हुआ है। उसके जस्ट नीचे देखिएगा तो कितना पेमेंट है टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं इतना पेमेंट यहाँ पे ये शो हो रहा है, इतना पेमेंट इनको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपल सी इस बिल को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है व्यू डाउनलोड बिल, सिंपल सी इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर देख सकते हैं दो नंबर में दिया हुआ है व्यू डाउनलोड रिसिप्ट, यानी कि अगर कोई बिल आप पहले पेमेंट किए हैं और उसका रिसिविंग आपके पास नहीं है तो उसका रिसिविंग निकालने के लिए सिंपल सी आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मुझे तो डाउनलोड करना है और उसके बाद पे करना है बिल को, जमा करना है, तो यहाँ पे बिल पे क्लिक करके आप जमा करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं व्यू डाउनलोड बिल पे क्लिक कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउनलोड करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया व्यू डाउनलोड बिल पे तो यहाँ पर लोडिंग दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ पूरा डिटेल्स वही मेरे सामने आ गया है देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स डिटेल्स आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड बिल, सिंपल से डाउनलोड बिल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका बिल डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका PDF में जो भी आपका PDF रीडर है आप उसमें ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने ओपन कर लिया है,
यहाँ पे ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा पीडीएफ के रूप में। तो यहाँ पे आपका टोटल डिटेल्स फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ रहेगा, आपका जितना भी बिल उठा हुआ रहेगा सब कुछ यहाँ पे रहेगा। तो इससे पहले तो पीछे की तरफ आप देखे हैं, वहाँ पर मैंने बताया है कितना बिल आया है, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करना, तो यहाँ 3 लाइन्स जो देख सकते हैं फ्रेंड्स दिया हुआ है ऊपर की तरफ, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे तो यहाँ पे आप एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा देखने को, देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड वाला पे क्लिक कीजिएगा तो आपका बिल डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जूम करके आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे आपका कितना रीडिंग चला है और कितना बिल आया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे जूम मैंने कर दिया है और यहाँ पे दिया हुआ है अक्टूबर मंथ में कितना चला है और सब कुछ यहाँ पे टोटल डिटेल्स में दिया हुआ है कि आपका बिल कितना आया हुआ है, किस महीने का कितना आपका खपत हुआ है बिजली बिल, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट कितना उठा हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका बिजली बिल घर का कितना आया है या दुकान का, किसी भी कहीं भी आप मीटर लगाएं उसका बिजली बिल कितना आया है चेक कर सकते हैं, और चाहे तो यहीं से आप पेमेंट भी कर सकते हैं।